सत श्री अकाल। सिख न्यूज़ एक्सप्रेस वेख रहे सारे दर्शकों का मैं हरप्रीत कौर निघा स्वागत करती हाँ। दर्शको, सिखां दे पहले गुरु श्री गुरु नानक साहब जी ने सिखां नूं उपदेश दिता सी, किरत करो, वंड छको ते नाम जपो। इस उपदेश ते चलदिआं अज कई सिख समाज सेवा विच वडमुला योगदान पा रहे ने। अजिहे सिखां दी अज असीं गल करांगे ते उस ट्रस्ट बारे तुहानूं दस्सांगे जो कि अज एक समाजिक खेतर विच अपना वडमुला योगदान पा रहा है। डॉक्टर रतन सिंह आनंद चैरिटेबल ट्रस्ट, ये ट्रस्ट अज लोड़वंद न्यासरा दा आसरा बनया होया है। श्री गुरु नानक साहब जी वालों दिते सरबत दे भले दे फलसफे नूं अगे वधा रहा है। पंथ कौम नूं प्रणाई सोच नूं समर्पित इस ट्रस्ट की स्थापना 1 अप्रैल 2007 नूं उगे सिख कारोबारी ते परोपकारी सरदार इकबाल सिंह आनंद अते सरदार पवनदीप सिंह आनंद वालों की गई। गरीबा लोड़वंदा दे मसीहा बने ट्रस्ट ने 1984 कतलेआम पीड़ित परिवारा दी बांह फड़ी है। ये सारी सेवा दा दौरान शुरू होया साढ़े पिता जी दी डॉक्टर रतन सिंह आनंद नारा दी डैथ तो बाद असी एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाई और CSR दे विच जिन्ने भी साढ़े ग्रुप दे फंड सन असी उत्थे पार्क किते ते उन्हां दी यूटिलाइजेशन वास्ते असी कई प्रोग्राम किते। ट्रस्ट दे मुख उद्देश दी गल करिए तां गरीबां नूं राहत, विद्यक संस्थावां अते सिखलाई केंद्र खोलण समेत सिक्ख्या अते डॉक्टरी राहत जिवें कि हस्पताल, चैरिटेबल डिस्पेंसरियां, मैटरनिटी सेंटर अते रिसर्च सेंटर खोलना है। ट्रस्ट दी स्थापना दी तारीख तो लैके अज तक ट्रस्ट वलों गरीबा लोड़वंदा दी भलाई दे संबंध विच बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, जिन्हां विचों हर साल लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस सने सर्वोत्तम क्रिकेटर खेडां विच उत्तमता वाले विद्यार्थियों नूं विशेष स्कॉलरशिप दित्ती जांदी है। इस ट्रस्ट वलों कलगीधर ट्रस्ट नूं दान दित्ता जांदा है जो सिख्या नूं उत्साहित कर रहा है अते मनुखता दे नेक काम लई काम कर रहा है। दिल्ली अते इस दे आले दुआले रहण वाले गरीब विद्यार्थियों की दिल्ली दे वख-वख स्कूलां नूं स्कूल फीस अदा कीती जांदी है। इस ट्रस्ट वालों मध्य प्रदेश दे सिगलीगढ़ समाज अते ट्राइबल समाज दे बच्चियां दी चंगे एजुकेशन लई विशेष उपराले किए गए ने। उन्हां नूं चंगे स्कूलां विच एडमिशन कराई गई है, उन्हां दी फीस दित्ती गई है। स्कूल दी गल करिए तां गुरुकुल अकैडमी, सेंट थेरेसा, सेंट जेवियर्स वर्गे स्कूलां विच उन्हां दा एडमिशन कराया गया है अते उन्हां दी फीस अदा कीती गई है। उन्हां दी मदद कीती जा रही है ट्रस्ट वालों। डॉक्टर आनंद जी, चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली वाले, मैं आज वन ग्राम पांचोई तहसील बुरहानपुर जिला बुरहानपुर मध्य प्रदेश से गुरुद्वारे ज्ञानी हेड ग्रंथी ज्ञानी तकदीर सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर रतन सिंह चैरिटेबल आनंद ट्रस्ट का जो हमारे बच्चों की फीस भर रहे हैं। पांचोरी पिंड से धन्यवाद करते हैं बाबा जी, आपने हमारे बच्चों को जंगल से ले जा करके जो उच्च शिक्षा प्रदान की है और स्कूल पढ़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे बच्चे जंगल से जाके बस में और खगनार गुरुकुल स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप सेवा कर रहे हो, आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बच्चों को एक बहुत ही भयानक जंगल से निकाल करके एक बहुत ही अच्छी जगह यहाँ से ले जा करके गुरुकुल स्कूल में जो उनका एजुकेशन आप करवा रहे हो, ये बच्ची है, इनके बच्चे ये छोटे कद के बच्चे हैं जी, आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद है जी। इन्ना गरीबा के ऊपर आप इन्ना उपकार कर रहे हो, गुरु महाराज आपके कारोबार में बरकतां बख्शे, आपको खुशियां बख्शे जी। बस यही दास की बेनती है गुरु महाराज के चरणों में। पाचोरी मतलब एक घने जंगल से 27 किलोमीटर दूर खतनार गुरुकुल अकेडमी में पढ़ा रहे हैं हमारे गाँव के कुछ बच्चे, वो भी आगे पढ़ना चाहते हैं और यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है। हम भी मतलब 12वीं के बाद डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो हमको सबको कहने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं सुनील कुमार श्रीवास्तव, प्रिंसिपल गुरुकुल अकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल खटना। मैं डॉक्टर रतन सिंह आनंद चैरिटेबल ट्रस्ट आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो आप ये जो बच्चे पाचोरी यहाँ से 27 किलोमीटर दूर जंगल में हैं और इन बच्चों की जो पढ़ाई पर आप खर्च कर रहे हैं और ये बच्चे बहुत ही अच्छी प्रकार से पढ़ रहे हैं। वी आर वेरी थैंकफुल हु गेव अपॉर्चुनिटी टू दिस स्टूडेंट्स हु बिलोंग्स टू अ बैकवर्ड एरिया, दे गॉट फैसिलिटीज and now they are able to study because of this trust and they are getting facilities and they are having a hope of bright future with this trust.
चार वर्ष पहले जब ये बच्चे गुरुकुल एकेडमी में पढ़ने के लिए आए थे उस समय इनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब थी, ना बच्चे पढ़ पाते थे, ना बच्चे अच्छे से लिख पाते थे, और दूसरे गाँव के बच्चों से इन बच्चों को बहुत ही डर लगता था। कारण ये था कि ये बच्चे जंगल से कभी गाँव में निकले ही नहीं थे, इन्होंने कभी गाँव का माहौल देखा ही नहीं था और ना ही किसी अच्छे स्कूल का एटमॉस्फेयर देखा था। अब धीरे धीरे चार साल में इन बच्चों में इतना परिवर्तन हो गया है कि लास्ट ईयर चार बच्चे यहाँ से सेज यूनिवर्सिटी भोपाल में एडमिशन हुआ है उनका, एक बच्चे का साइबर सिक्योरिटी में एडमिशन हुआ है और तीन बच्चों का बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन हुआ है। और लगभग 250 बच्चे हैं जो गुरुकुल एकेडमी खकनार में पढ़ते हैं। एक पिता भी अपने बच्चे के लिए जेब से 2 रुपये खर्च करने के लिए बार बार सोचता है, और आप तो लाखों रुपये इन बच्चों के लिए खर्च कर रहे हैं। मैं हृदय से आपका धन्यवाद चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। इस दिन आली दिल्ली दे 1984 सिख कतलेआम दे पीड़िता लई बनी तिलक विहार दी विडो कॉलोनी दे चाहवान बच्चियां नू उच्च सिक्ख्या जिवें कि बीटेक, होटल मैनेजमेंट, टीचर ट्रेनिंग, नर्सिंग ट्रेनिंग अते होर उच्च सिक्ख्या लई 100% एजुकेशन स्कॉलरशिप दिती गई। मेरा नाम अमरीक सिंह है, मैं तिलक विहार विडो कॉलोनी विच रहंदा वां ते मैं विक्टिम परिवार तो बिलोंग करदा हां। तो मेरा शुरू तो ही एम सी कि मैं हॉस्पिटैलिटी एरिया विच कुछ करा। मैं हॉस्पिटैलिटी एरिया विच मैं HM का कोर्स चूज़ किया क्योंकि मैं अगे प्रोफेशनल शेफ या मैनेजर बनना चाहता वहाँ किसी 5-star होटल विच। ते मेरा नाम आरती कौर है, तो मैं शुरू तो ही मेरा ये ड्रीम सी कि मैं टीचर बना, ए डाइट का कोर्स करना पैंदा है। तो घर की फाइनैशियल कंडीशन ठीक होने ना करके तो असी ये कोर्स बारे दिमागी असी कढ़ता सी कि असी नहीं कर पावांगे। तो जिवें मेरा HM का कोर्स है, ये ड्यूरेशन 3 साल की है। तो मेरा जिहड़ा अगे जिहड़ा मेरा 3 साल का सारा खर्चा है वो एक सरदार इकबाल सिंह जी आनंद जी स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं और स्कॉलरशिप सारी वो दे रहे हैं। डॉक्टर रतन सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट ते सरदार इकबाल सिंह ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਸਪੋਂਸਰ ਕੀਤੀ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ NGO ਆਉਂਦੇ ਸੀ, 36 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ NGO ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਿਰਫ 84 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ। ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ, ਆਏ, ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਦਰਦ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਏਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 33 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਦੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 2020 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸਿੱਖ ਏਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਕ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਟਰ ਸਕੂਲ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਈਏ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਏਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਫਟਰ ਸਕੂਲ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ 2019 ਤੋਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਵਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 33 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਟਰੱਸਟ ਅਲਵਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੋਇਲਟ ਬਣਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵੁਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੰਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਅਰਥ ਸੇਵੀਅਰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਤੌਰ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ
350 तो 600 व्यक्तियों नु भोजन मुहैया करवा रहा है। नमस्ते, मेरा नाम उषा है। यहाँ पे 750 बेसहारा बुजुर्ग मेंटली लोग यहाँ पे रहते हैं और ये सारे रेस्क्यू करके आते हैं रोड साइड से। जो लाचार लोग रहते हैं वहाँ से हम रोड साइड से रेस्क्यू करते हैं, हॉस्पिटल से आते हैं, कोर्ट ऑर्डर से आते हैं, पुलिस लेके आती है और उनका खाना, रहना, कपड़ा, मेडिसिन सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और ये डोनेशन से चलती है। ऐसे ही डॉक्टर रतन सिंह आनंद चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा पिछले 6 सालों से रात का खाना प्रोवाइड किया जाता है जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी हमारी पूरी अर्थ सेवर फाउंडेशन के टीम के तरफ से और श्री रवि कालरा सर के तरफ से कि आगे भी वो ऐसे ही फ्री सेवा प्रोवाइड करते रहें ताकि हम बेसहारा बुजुर्ग लोगों को सहारा दें। ए ट्रस्ट दिल्ली, गुड़गांव अते राजस्थान दे आले दुआले दिया वख-वख चुगियां विच कंबल, कपड़े, सुका राशन वंड रहा है। इस ट्रस्ट वालों बुजुर्ग मरीजा अते विधवावां नूं मंथली पेंशन भी मुहैया करवाई जा रही है। हाली विच ट्रस्ट वालों नवेकले उपराले मोबाइल हेल्थ चेकअप दे तहत दिल्ली दे आले दुआले लोड़वंद व्यक्तियां नूं मुफ्त फिजियोथेरेपी अते मूड वसेवा सेवावां प्रदान कर रहा है। ए सेवावां हफ्ते विच 3 वार अते छुट्टियां विच भी प्रदान कीती जा रही है। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम डॉक्टर गगनदीप चड्डा हैगा। आई बिलोंग टू दिल्ली। वी हैव सीन पेशेंट्स ओवर हियर हु हैड बीन हैविंग फिजिकल डिसेबिलिटी, mentally retarded. Some of them have been in old age where they have been disowned by their own families and they have been on the roads. We have distributed a lot of medications, done the BP checkups, done the sugar checkups. Me and my team, they have all been very nice to help me in all these endeavors. I thanks to all the team members who have been helping me. सारी टीम का धन्यवाद जिन्होंने मेरे नाल सपोर्ट किया, जिन्होंने मैनू इस ऑर्गेनाइजेशन नाल अटैच होके मेरी मेडिकल चैकअप विच हेल्प की। वाहिगुरु अगे मेरी अरदास हैगी है कि अगे भी सानू इस तरह सेवा का मौका मिलता रहे तो असीं लोगों की सेवा करते रहिए। वाकई समाज सेवा लोड़वंदा की मदद का यह जज्बा काबिले तारीफ है। मकसद एक ही है, हर लोड़वंद तक मदद पहुँचे। गुरु नानक साहब जी दे वंड छको दे सिद्धांत ते चलदे आ जिस तरह ए ट्रस्ट काम कर रहा है, अगे वध रहा है, ए जज्बा काबिले तारीफ है। मकसद इस ट्रस्ट दा इक्को ही है कि हर लोड़वंद तक मदद पहुंचे। बड़े हाथ वड्याईयां जै भावें तैं दे, ए गुरु साहब ने फरमान कीता है, वो अपनी जिहड़ी सेवा है वो आप ही लैंदा है। वाहिगुरु जी दा खालसा ते वाहिगुरु जी दी फतेह। साडे यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब करो।